और बोलो और कुछ चाहिए तो हम आपके सेवक हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो चांदी के पूजन का बर्तन का सेट था, तो भैया हम अपनी अपनी चीज में से थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ले जा सकते हैं ना? क्यों वहां की तस्वीर उठा के इधर की इधर करो, वहां के बर्तन इधर की इधर करो, वहां की प्रतिमा जी बेदी की इधर करो। बोलो अजीत भाई करने दोगे? पंडित जी आप यदि नवरंगपुरा में आ गए तो हम आपको भी नहीं करने देंगे, हमें करने दोगे? बोलो। देखो आपका है ये उपचरित, केवल उपचार भी काय बात के लिए कि दर्शन करने के लिए, उपचार काय के लिए? आप दर्शन करने का प्रयोजन पूरा करो और दर्शन करके सम्यक दर्शन करने का प्रयोजन पूरा करो, इसलिए हमारा जैन मंदिर। और जिन्होंने सम्यक दर्शन नहीं किया वे कहते रहे कि हमारा जैन मंदिर, तो भी उन्हें उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होगा, और हेर फेर करें वो तो बात ही आउट हो गई। आई बात समझ में आई? अब बोलो भैया इतने लोगों में से किस किस का जैन मंदिर है? अब पसीना आया, किस किस का जैन मंदिर? कि सुनो जो जैन मंदिर में जाके प्रयोजन साधें सम्यक दर्शन करें उनके लिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, से जैन मंदिर उनका, समझ गए? नहीं समझ? बहुत सरल सी बात है, गजब है। हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और हम किसी के पास पहुंच गए, अरे आप तो अपने ही हो, और एक भी पैसा दिया नहीं उन्होंने, जरूरत थी 1 करोड़ की और एक पैसा भी नहीं दिया, अब क्या कहोगे? बोलो काहे के अपने? इसका मतलब भी अपने भी तब होंगे जब अपना प्रयोजन हो सद है, नहीं समझ में आया? बोलो। माँ बाप के बच्चे, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करें तो माँ बाप ही कह देते हैं काहे के अपने भैया, हो हुए और नहीं हुए बराबर ही है। क्यों 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 कहा आपने हुए और नहीं हुए बराबर है? अरे 2 रोटी मिले नहीं, सेवा मिले नहीं, आदर मिले नहीं, काय के बच्चे हुए नहीं हुए बराबर? ये उपचरित असद्भुत व्यवहार का परमार समझते हो आप? ऐसे ही भगवंतों का दर्शन मिला, देवसास गुरु मिले और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, काय के मिले? नहीं समझ में आई? अरे रे उनका मिलना तो उपचरित असद्भुत व्यवहार न ऐसे सच्चा तब हो जब तुम्हें सम्यक दर्शन हो। 2 दृष्टांत दे दिए, दृष्टांत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? तो आगे देखिए लोक व्यवहार की स्थापना, बराबर आगे देखो। पर से लाभ हानि मानना उपचरित, पंच परमेष्टि के चरणार बिन से मुझे लाभ होता है ऐसा कहना, तीर क्षेत्र में आकर के परिणाम शुद्ध होते हैं ऐसा कहना कौन सा नहीं? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, लेकिन है उपचरित, उपचरित है माने खरे खर तो अपनी दृष्टि अपने पर जाए, अपना निर्णय अपना में हो, अपना उपयोग निर्मल होए तो लाभ होगा, और कहने में क्या आएगा? देखो अब मैं अंतिम दृष्टांत दूं, टाइम हो गया अपना है ना, अब अंतिम दृष्टांत देता हूं। भैया आज का प्रवचन बोर हुआ कि आनंद हुआ? अब देखो जिसकी समझ में क्लियरेंस हुए होंगे वो तो कह रहा होगा आज का प्रवचन गजब हो गया, देखना। और जिनको नींद आ रही होगी, वैसे आई नहीं किसी को, लेकिन मान के चलो आज तो पंडित जी ने बढ़िया शैली से वो एग्जाम्पल ही नहीं दिए, दृष्टांत ही नहीं सुनाए, कुछ करा ही नहीं, पब्लिक कितनी आनंद करती थी आज तो बिल्कुल, बस पंडित जी ने बाउंसर ही बाउंसर फेंके। अब क्या लगेगा आपको? अरे यार हम तो सोच रहे थे कुछ ढंग की बात आएगी, आज कोई ढंग की बात ही नहीं आई। देखो देखो प्रवचन बोई आपका प्रयोजन आनंद करना है, यदि वो सिद्ध हो तो प्रवचन अच्छा, आज तो प्रवचन में आनंद आ गया, प्रवचन में आनंद आ गया, ये उपचरित असद्भुत। बोलो सोनगढ़ में 14 काल था कि 5वां काल था जब गुरुदेव श्री थे? बोलो। अरे साहब क्या बताएं, पूरे विश्व हिंदुस्तान में 5वां काल हो सकता है लेकिन सोनगढ़ में तो अमृत बरसा था 5वां काल में, नहीं अमृत बरसा रे 5वां काल मा। अच्छा तो अमृत बरसा था ना, लेकिन भाई ऐसे लोग भी थे जो दुखी थे, अब उनसे पूछो अरे ठीक है भैया वही भगवान आत्मा कह रहे अब कहीं जा सकते नहीं इसलिए बैठी। तो अब बताओ, अब उनसे पूछो अमृत बरसा था तुम क्या कर रहे थे?
कि हम तो ये करते थे कि जैसे सब जने कह रहे बाबा वाह, तो हमने कही बाबा वाह। नहीं होता ऐसा, नहीं हो जाता है। मेरा मतलब है अब सोनगढ़ उसमें क्या करें और गुरुदेव श्री उसमें क्या करें। भगवान आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति थी, समोसरण था, मारीची के लिए महावीर क्या करें, वो आदिनाथ भगवान क्या करें, क्या करें बताओ। अब जिनका काम हो गया वे तो अनंत बार कहते हैं प्रभु आपकी जय हो, और जिनका काम नहीं हुआ वे कह रहे काय के आदिनाथ 24 नंबर का कह रहे हैं, खुद पहले नंबर पे हम 24वें पे, हम तो पुरुषार्थ करके जब पुरुषार्थ से मोक्ष हो सकता है तो 24वें पे क्यों जाऊंगा मैं, अभी मोक्ष करके दिखाऊंगा। और उठ के चले गए और मोक्ष का उपाय करने लगे, और उनका मोक्ष का उपाय करना ही 24वें नंबर का उपाय था। आगे समझ में आया क्या करें बता। इसलिए भैया आप किसी विद्वान को दोष मत दो, किसी शैली को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो, आप अपना उपयोग निर्मल करो। और जो विद्वानों में भेदभाव मत डालो, इनका प्रवचन उनका प्रवचन, इनकी शैली उनकी शैली, शैली वगैरह तो भैया क्या करें, पेट भरता है आटा खाने से। अब वैसे नहीं खाते तो कभी कोई पूड़ी बना के खिला देता है, कोई आपकी गुजराती में क्या थेपले खिला देती हैं, नहीं नहीं, और वो पूड़ी बना देते हैं, कभी हलवा बना देते हैं, कभी कुछ और बना देते हैं, तो आइटम का नाम अलग है लेकिन खाते तो गेहूं का लोट है। नहीं गेहूं नो लोट, खाते तो वही है, गेहूं का ही आटा खाते हैं। इसलिए आप ऐसे मत करो ये अच्छा कि वो वाला, इसमें भी बहुत असाधना होती है। ये तो बताऊं कि एक अपना अपना औदिक भाव है, अपनी अपनी शैली है, अपना अपना तरीका है, और सब तरीके होने चाहिए, गंभीरता भी होनी चाहिए और वैसा भी होना चाहिए। आगे समझ आया, तो इसलिए तुलना नहीं करो। एक अंतिम बात कहकर पूरा करता हूं, हो गया टाइम। एक बार बताओ आपको कैंसर हो या हार्ट अटैक हो और आपको इलाज करवाना हो तो कौन सा डॉक्टर चाहिए, गोरे रंग का कि काले रंग का? नहीं कौन सा चाहिए, नहीं जिसके क्लिनिक में भव्यता हो कि सिंपल हो, कैसा क्लिनिक चाहिए, क्यों उसके कंठ की आवाज मीठी हो कि रूखी हो, कैसा चाहिए बोलो डॉक्टर, जो बात बात में अकड़ जाता है ऑपरेशन कराना ही, ठीक से बैठो। और ये कह सके प्लीज बैठ जाइए ना, बता कौन से ऑपरेशन कराएंगे दोनों में से, कौन से कराओगे बोलो। कि पंडित जी आप बकवास कर रहे हो, हमें तो इलाज कराना है, कोई सी डॉक्टर हो, SC ST हो चाहे वो स्वर्ण हो, अच्छा होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, हमें हमारा रोग दूर करना प्रयोजन है, हमें डॉक्टर में ये भेदभाव देखना प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही हमें तो आत्महित के लिए आत्मा प्रयोजन है, जिसकी वाणी जैसी हो, जिसकी शैली जैसी हो, जिसका तरीका जैसा हो, हमें ये नहीं देखना, हमें बहिरंग नहीं देखना, हमें तो हमारे आत्मा का प्रयोजन देखना। इससे हमें ज्ञान की असाधना नहीं होगी, क्या नहीं होगी, असाधना नहीं होगी, सम्यक ज्ञान की असाधना नहीं होगी और हमारे आत्मा का हित होगा। इतनी चर्चा करी, बाकी फिर करी। ओम नमः शिवाय।